हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कटर मशीन से आप मोल्डिंग की कलम किस तरह से काट सकते हैं और इस अड्डे को किस तरह से बना सकते हैं, इस स्टैंड को किस तरह से बना सकते हैं। ये आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये 1.5 इंच का बोर्ड है, जो ये लंबाई जो है ये 12.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ये आपकी 8 इंच है। तो अब हम इसी इतने बड़े टुकड़े से ही पूरा आपको प्रोसेस में बताता हूँ आप किस तरह से एक कलम काटने का अड्डा बना सकते हैं, कटर मशीन से किस तरह से कलम काट सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को प्रॉपर देखें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, इसको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें। मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। तो हम सबसे पहले हमारी जो इस बोर्ड का जो हमारा कट पीस है इसकी हम एक टक्कर चेक कर लेते हैं, ये गुनिया में है या नहीं है। तो ये हमारी टक्कर प्रॉपर गुनिया में है। अब मैं इसकी मार्किंग करता हूँ, किस तरह से इसकी मार्किंग करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर नहीं बड़ा बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 8 इंच में बनाइए। मेरे पास जो टुकड़ा है ये 8 इंच का है, तो मैं इसी 8 इंच के पीस में से ही आपको अड्डा बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले जो मैं इसमें करूंगा, ये मेरा 8 इंच का है, तो मैं इसकी जो ये हमारे इसमें खड़े पार्टीशन है, जो खस के जो खड़े सेल्फ हैं, ये मैं तीन इंच पे ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं 3 इंच पर निशान लगाता हूँ, उसके बाद 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो एक हमारा निशान इस पर 3 इंच पे लग गया और एक हमारा 6 इंच पे लग गया। इसी तरह से हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं 3 इंची और 6 इंची। इस पर ये 3-3 इंच के निशान उतारे हैं, अब हम इसको सीधा उतार लेते हैं। इसकी लंबाई रखेंगे ये 9 इंची, हम इसकी लंबाई रखेंगे तो 9 इंची में हमारी ये प्रॉपर आ जाएगा अड्डा बनकर। आप इसको 10 इंची भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कितनी भी रख सकते हैं और छोटी भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 9 इंची आप रखें, कितनी आप छोटी भी रख सकते हैं और बड़ी भी रख सकते हैं। तो ये देखिए आप, तो ये इस तरह से हमारा बनकर आया। ये 3 इंच का हमारा अलग हो जाएगा कट के और ये 3 इंच का अलग हो जाएगा, ये 2 इंच का अलग हो जाएगा। तो मैं इसको इसी प्लाई बोर्ड में से ही आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, पहले हम इसकी लेंथ काट लेते हैं फिर उसके बाद इसकी चौड़ाई काट लेंगे। गली की गुनिया की मदद से अब हम इसकी चौड़ाई की कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से अब हम इसकी जो लंबाई है इसको काट लेते हैं, तो ये दोनों निशान को हम काट लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी सभी पीस कटकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से ठोकने हैं। दोस्तों, इसमें जो आपको ध्यान रखना है, ये तो हमारे जो सेल्फ हैं ये तो खड़े हो गए हैं जो इस तरह से आएंगे, और ये जो इसमें जो बचा है आपका ये 2 इंच का, ये बीच में आएगा जरूर। पर इस तरह से कटर मशीन से हमें कटिंग करनी है, तो अब हम इसको जो है ना एक सूत का वो ले लेंगे, निशान ले लेंगे, ताकि हमारा जो कटर है ना वो इस पर एक सूत चले। तो इसका ब्लेड है ये बाहर को कम्प्लीटली 1 इंच है, तो अब मैं इसको रख कर देख लेता हूँ जो हमारी कटिंग होने वाली है। तो ये हमारा इस पर एक सूत इस तरह से आ रहा है, तो अब हम इस पर एक छोटा सा निशान ले लेते हैं और देख लेते हैं इस पर कितना है। तो ये हमने ले लिया निशान, उसके बाद जो करना है आपको इस पर हम रुकार डाल देते हैं कि ये साइड हमारी अंदर की हो गई इस तरह से, और ये साइड हमारी ये भी अंदर की हो गई जो इसके सामने की वो है। तो अब हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं, तो ये इस बड्डी की सहायता से हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी बड्डी होती है इस पर आपको जो ये कील लगी होती है अपने निशान के ऊपर फेस में कर लेनी है। तो ये हमारी हो चुकी है, अब हम इसको टाइट कर लेते हैं और इस पर आपको ये मार्किंग कर लेनी है। इससे हमारी यहाँ पर जो हम लकड़ी लगाने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से लग जाएगी। ये हमारे रुकार पर हो गई और इसी तरह से इस वाले रुकार पर भी हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। आपकी मार्किंग हो जाएगी, आप इससे अगर काम करोगे तो हमारा ये काम काफ़ी सीधा होगा। ये हमारा काम इससे गुनिये में होगा, जो हमारी हम यहाँ पर लकड़ी लगाएंगे वो बिल्कुल सीधी लगेगी। दोस्तों, ये जो हमारी मार्किंग है इससे नीचे हम एक कील लगा लेते हैं जिससे हमारी लकड़ी स्लिप ना हो, बिल्कुल निशान पर प्रॉपर तरीके से रहे। दोस्तों, इधर कील लगाने से हमारी ये लकड़ी देखो ये बिल्कुल प्रॉपर अपने ये आ जाती है निशान पे, तो इससे हमारा ये फ़ायदा होता है। अब हम इस पर कील लगा लेते हैं, मैं आपको ये 1/4 इंच वाली कीलें लगा लेनी है।
तो दोस्तों ये हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कीलें हटा लेते हैं। तो दोस्तों ये हम आधे इंच की प्लाई का ही बना सकते हैं, लेकिन आधे इंच का प्लाई का जो है ना उसका इतना ज़्यादा वजूद नहीं हो पाता है, वो हिलता है, ये रखा भी नहीं जाता है प्रॉपर तरीके से। अगर पौन इंच का अगर हम ये बनाते हैं तो ये हिलता झुलता नहीं है, अपनी जगह पर परफेक्ट सेट रहता है। आपको मार्किंग करनी है जो इससे हम कलम काटेंगे वो किस तरह से काटनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें हम जो है इसके सेंटर में से पहले एक वो ले लेते हैं निशान। इस तरह से आपको निशान ले लेना है अपना राइट एंगल लगाकर, राइट एंगल में आपको ये निशान ले लेना है अपने गुनिये से। आप इस तरह से एक टक्कर पर निशान ले लें, उसके बाद अब आपको इस वाली टक्कर से इस वाली टक्कर पर एक निशान लगा लेना है। इससे हमारी कलम बिल्कुल प्रॉपर आएगी। तो यह हम इसको ऊपर से भी लगा सकते हैं और नीचे से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस अपनी इस लकड़ी की जो टक्कर है यहाँ बिल्कुल फेस में लगा लेंगे इसको, और उसके बाद जो ये बाहर वाली टक्कर है इसका एक निशान ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये ले लिया निशान। उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया है इस पर इसको रखकर, इसकी बिल्कुल टक्कर को रखकर इस तरह से, और ये जो हमारी जो ये वो है निशान ये यहाँ पर आपको उतार लेना है। ये इस तरह से उतर गया, उसके बाद इसे भी आपको गुनिये से अपने उतार लेना है कम्प्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से ये निशान आपको उतार लेना है। जैसे कि हम अपना आरी से काटने वाला अड्डा बनाते हैं सेम उसी तरह से ये भी अड्डा इसी तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपको ध्यान रखना है ये जो हमें इस पे एक आपको ये फट्टी ले लेनी है, इसकी एक साइड पर आपको रंधा मार लेना है, ये मार्जिन ले लेना आप, या आप कोई लकड़ी भी ले सकते हैं, दो सूत की प्लाई भी ले सकते हैं। तो ये मैंने एक लकड़ी के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहती है। तो इसमें जो हमें कील लगानी है वो इस तरह से लगानी है, एक तो हमारा यालन निशान हो गया और एक यालन निशान हो गया। इस निशान के हमें बिल्कुल फेस में करके जो इसके कोने में इस तरह से निशान पर ये कील लगा लेनी है। ये जो हमारा निशान है ये एंड हो रहा है, आपको इस कोने पर रख लेना है, और याला जो निशान है इसके भी सेम इसी कोने पर आपको ये रख लेना। लेते हैं तो ये हमारा लक्कर तैयार हो चुका है, ये जो हमारी एस्टर हो रही है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमारी कलम काटे की लकड़ी वो तो लग चुकी है, अब हमें सीधी कटिंग करने के लिए एक लकड़ी और लगा लेनी है। तो ये आपको बिल्कुल अपने टक्कर से टक्कर मिलाकर इस पर सीधा निशान उतार लेना है, अपने गुनिये से इस तरह से निशान उतार लेना है, और उसके बाद फिर आपको ये मार्जिन ले लेना है, और इसकी एक टक्कर आपको बिल्कुल सीधी कर लेनी है, जो आपकी टक्कर सीधी हो वो इस निशान पे बिल्कुल करके आपको लगा लेनी है। इसके निशान से बिल्कुल मिलाकर आपको एक कीले लगा लेनी है। तो ये हमारी लग चुकी है, अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, इसको बिल्कुल फेस में कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है, हमारी क्रॉस में भी एक लकड़ी लग चुकी है और सीधी कटिंग में भी एक लकड़ी लग चुकी है। तो आपको अपना कटर मशीन ले लेनी है। तो दोस्तों एक कट तो हमारा लग चुका है, अब हम सीधा वाला कट भी लगा लेते हैं। दोस्तों ये हमारा ये भी कट लग चुका है और ये भी कट लग चुका है, अब हम इसकी कटिंग करके वो देख लेते हैं। तो अब जो हम कटिंग करने वाले हैं हमारा आधे इंच वाली प्लाई है, इसकी टक्कर की हम कटिंग करने वाले हैं, देखते हैं इसकी टक्कर को सीधा किस तरह करता है। इसकी कलम की कटिंग किस तरह से हो रही है। तो दोस्तों ये हमारी कलम कट के तैयार हो चुकी है, आप फिनिशिंग देख ही रहे हो। ये इतनी फिनिशिंग हमारी आरी से नहीं आ सकती, नहीं फिनिशिंग हमारी कटर मशीन से कलम काटने के बाद आ जाती है। तो अब हम इसका गुनिया और चेक कर लेते हैं। अगर राइट एंगल की बात की जाए तो आप ये देखिए, तो ये प्रॉपर हमारा जो हमने इसकी कटिंग की है ये कम्प्लीटली आपके राइट एंगल में, ये देखें आप। अगर आप इस तरह से अपना अड्डा बनाते हैं तो आपकी कटिंग भी राइट एंगल में आएगी, तो ये हमारा अड्डा ही प्रॉपर तरीके से बन जाएगा, और हम काफ़ी आसानी से बड़ी बड़ी कलम भी काट सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, इतने साइज़ का भी आप बना सकते हो, और इससे बड़े साइज़ का भी इसको बना सकते हो। जिस तरह से हमने ये बनाया आप भी काफ़ी आसानी से इसको बना सकते हो। तो
इससे हमारी कलम काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। दोस्तों काफ़ी राइट एंगल में इस अड्डे से आप कलम मिला सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इससे काफ़ी आप इसका बड़ा भी साइज बना सकते हैं और छोटा भी साइज बना सकते हैं। जितना ही बड़ा आप चाहें उतना ही बड़ा साइज इसका बना सकते हैं।